एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। एकदम अभी अभी भुवन बाम AKA बीबी की वाइंस का नया गाना आया है राह गुजर। काफी टाइम से ये बोला जा रहा था कि ये गाना मेकिंग में है एंड काफी जल्दी आने वाला है, एंड आज फाइनली ये गाना रिलीज हुआ है। इस चैनल पे पहले भी बहुत सारे म्यूजिक रिव्यूज हो चुके हैं एंड जैसे मैंने देखा कि बीबी का नया गाना है, ये एकदम अभी अभी आया है, कुछ घंटे ही हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मतलब यार इसका रिव्यू तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी ये गाना बिल्कुल नहीं सुना है, तो अभी साथ में सुनते हैं एंड देखते हैं गाना कैसा है। गिटार बहुत प्यारा है। टेल नाउ जो गाने की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लियर ऑडियो है एंड भुवन बाम की भाई वॉइस तो है ही अच्छी है, लेकिन इस गाने में कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल की क्वालिटी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब बाकी गानों से कंपेयर करा जाए तो काफ़ी क्लियर है वॉइस इसमें। ये बच्चा मतलब छोटा वर्जन है तो जल्दी चले मेरे हम सफर जहां। नाइस यार, बहुत अच्छा गाया है वो बीच में ना, वो काफी अच्छा है। नाइस काफी अच्छा है। ओ, उसके डैड को अस्थमा है, उसके डैड को अस्थमा है, मेरे डैड को भी है। रिलेटेबल। अच्छा बड़ा हो गया। ओ ओहो हो, ये मेरे साथ भी होता है। जिनको एजमा होता है उनके पास एक इनहेलर होता है, उसके अंदर जो गैस वाली छोटी मतलब कैप्सूल होती है वो चेंज करनी पड़ती है। तो मेरे डैड भी मेरे को भेजते रहते थे ऐसे कि मतलब जाके ले आ, तो काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इस वीडियो से। मैं भी ऐसे ही करता था कि डैड बोलते जा लेके आ जा एंड फिर बाद में वो मेरे को दिखाते थे ये, मैं भी यही बोलता था कि मेरे को पता है मैं ले आऊँगा, टेंशन मत लो। शिट मैन, वो भूल गया। गए क्यों मगर मेरे हम सफर। डैम यार, जहां तो है मुश्किल मिलना सरा उसी राह गुजर। मैं रोना नहीं चाहता यार वीडियो में। एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, हम कहीं पार्टी में गए थे तो वहाँ पे डैड का इनहेलर गाड़ी में था, तो डैड पार्टी में थे, उन्होंने बोला लेके आ एंड मैंने बोला ठीक है, एंड उसके बाद मेरा ध्यान कहीं भटक गया था एंड मैं कहीं और था, मैं देना भूल गया था एंड उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ था कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। डैड काफ़ी मतलब बुरी कंडीशन में थे लेकिन फिर बाद में ला के दिया, फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं भाई। रुला दिया यार वीडियो ने। कोई बात नहीं, रोना नहीं है, ठीक है। ओ नाइस, काफ़ी अच्छे से मिक्स करा हुआ है जो मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, लेकिन जो एक कमी मेरे को लगी है, जब भी हम मतलब मिक्स करते हैं, हम मतलब पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी साउंड्स है वो किसी ना किसी मतलब थोड़ा सा भी परसेंट अगर वो सुन रही है तो मतलब मिक्स अच्छा है। जितनी भी साउंड्स है वो एक तरह से हल्की सी तो सुननी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को मिक्स में थोड़े ड्रम्स वीक लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छे से मिक्स्ड है एंड बीच में जो हम ये कह सकते हैं गैंग वोकल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि गैंग वोकल्स को मिक्स करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी क्योंकि एक जगह एक की आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो मतलब दूसरे की मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई होप तुम समझ रहे हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से करी हुई है। नाइस यार, वीडियो काफ़ी अच्छे से शूट करी हुई है। अबे
यार पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मतलब मेरे को आंसू आए हो किसी वीडियो में थोड़े से, बट यार मैं अपने वाले इंसिडेंट को भूल चुका था एंड इस वीडियो को देख के एकदम से फ्लैशबैक हुआ है, वो सारी चीज़ एकदम से दिमाग में आई है, वो पूरा इंसिडेंट एकदम से मेरे सामने से निकल गया। ये 4 मिनट का गाना था, मैंने अभी अभी वीडियो खत्म कराया एंड मेरे को लगा काफी छोटा गाना था, ये प्रॉपर 4 मिनट्स का सॉन्ग था। वाह यार मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब गाना कब खत्म हो गया। ओके तब पूरा गाना सुन लिया है तो अब मैं बताता हूँ मेरे को कैसा लगा। वीडियो ने तो भाई दिल छू लिया है मेरा, एक मतलब बहुत सॉफ्ट स्पॉट है उसको टच कर लिया है वीडियो ने। अब वीडियो को एक सेकंड साइड रखते हैं एंड प्रॉपर म्यूजिक रिव्यू पे आते हैं। बहुत लिरिक्स बहुत प्यारी लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से गाया हुआ है, बहुत क्लियर है मतलब ऑडियो सारी, मिक्स काफ़ी अच्छे से करा हुआ है, मास्टर अच्छे से करा हुआ है, प्रोड्यूस बहुत अच्छे से करा हुआ है और एंड वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से डायरेक्ट करी हुई है। एंड आई कैन से जो हमारा एक्चुअल अभी म्यूजिक सीन है उसके लेवल से काफ़ी ऊपर है ये सॉन्ग। बहुत अच्छा काम करा है भुवन बाम, अगर समहा तुम ये वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है गाना। लेकिन जैसा म्यूजिक टेस्ट मेरा है एंड काफी लोगों का होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये गाना ऐसा नहीं है जिसको मैं बार बार सुनूं, इसको मैं मैक्स 3 या 4 बार सुन सकता हूँ, बट जो भी है गाना बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करी है भाई इस गाने पे, वीडियो में भी म्यूजिक में भी। तो जिन लोगों को नहीं पता, हर म्यूजिक रिव्यू के एंड में हम 10 में से स्कोर देते हैं सॉन्ग को, मतलब जितने भी मैंने बाकी गाने सुने उनके कंपैरिजन में, एंड जैसे ये हिंदी गाने तो मैं इंडियन सॉन्ग्स के साथ ही कंपेयर करूंगा, उसके हिसाब से मैं इसे देना चाहूंगा 10 में से 8। काफी अच्छा सॉन्ग है, जो हमारा मेन स्ट्रीम म्यूजिक है उससे तो काफी बेटर है। तो गाइस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम बीबी फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एम रखते हैं 800 लाइक्स का। मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही और म्यूजिक रिव्यूज आगे लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।